पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट प्रोविजंस के अंतर्गत धारा 145 से धारा 153 सीआरपीसी में क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है, इस विषय पर इस वीडियो में प्रकाश डाल रहा हूं। जब किसी लैंड या वाटर के संबंध में कोई डिस्प्यूट होता है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया सीआरपीसी के अंतर्गत कि वो डिस्प्यूट पेयर लैंड एंड वाटर के संबंध में जो भी है उसमें ब्रीच ऑफ पीस ना हो, शांति भंग ना हो, इसके संबंध में वो कार्यवाही कर सकता है। ये कार्यवाही कैसे होगी, क्या इसकी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इस विषय में डिटेल में मैं विस्तार से बताता हूँ और आगे के सेक्शन जो धारा 153 सीआरपीसी तक है क्या प्रावधान है उसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये ब्रीच ऑफ पीस की आशंका होती है कि कोई लैंड या वाटर के संबंध में कोई डिस्प्यूट होगा और ऐसी इन्फॉर्मेशन पुलिस के द्वारा या अदर किसी सोर्स से उसे मिलती है कि वहां कोई दंगा लड़ाई हो सकती है लैंड या वाटर के संबंध में, तो ऐसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखित ऑर्डर निकाल सकता है कि आप स्वयं या अपने एडवोकेट के थ्रू उनके समक्ष उपस्थित हों, फला दिनांक को फला समय पर उपस्थित होकर कारण दर्शित करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। इसके बाद बिल्डिंग, मार्केट, फिशरीज, क्रॉप्स, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इसके संबंध में भी ये सब कार्रवाई हो सकती है। तो संबंध से वो सबसे पहले बुलाएगा, नोटिस उसको भेजेगा जिसमें ऑर्डर की कॉपी होगी और उस ऑर्डर में कारण दर्शित करने के लिए उससे कहा जाएगा। वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से स्वयं सहित या अधिवक्ता के साथ वहां उपस्थित होगा, कारण बताएगा। अगर कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे भी उस नोटिस या संबंध को चिपकाया जाएगा और स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड करेगा। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो एसडीएम हो सकता है, डीएम हो सकता है। अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि डिस्प्यूट का जैसे ही उसे पता लगा है उससे 2 माह पहले प्रॉपर्टी पोजीशन में किसी और के थी, तो ऑर्डर में वो ऐसा लिखेगा, ट्रीट करेगा, डिस्पोजेस करने के भी ऑर्डर दे सकता है। इंटरेस्टेड पार्टी को मजिस्ट्रेट रोक सकता है, क्या ये प्रश्न उठता है, तो इंटरेस्टेड पार्टी को मजिस्ट्रेट ऐसा करने से नहीं रोक सकता। पार्टी ने ये प्रूव कर दिया कि कोई डिस्प्यूट नहीं है तो मामला वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। एविडेंस से मजिस्ट्रेट ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है, उसको ये पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दी गई है। मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि किसी पार्टी का पोजीशन होना चाहिए तो वो उसे पोजीशन भी दिला सकता है, अर्थात आधिपत्य उसका है, ऐसा उस रिकॉर्ड में एविडेंस के बाद रिकॉर्ड करते हुए उस पर आदेश कर सकता है। और पार्टी के पोजीशन के बाद यदि किसी पक्षकार दोनों में से जो मामला लाया है या सूचना से पता लगा है या पुलिस द्वारा ऐसी सूचना दी गई है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसके किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, उसके जो विधिक प्रतिनिधि हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भी पक्षकार के रूप में वहां उनको बुलाया जा सकता है। तो क्रॉप अगर पेरिशेबल नेचर की है, कोई ऐसी क्रॉप है, खेती है, प्रॉपर्टी है सब्जेक्ट टू सेल, तो उसको प्रोसीड भी कर सकता है पेरिशेबल नेचर की है, जो भी वो मौके की परिस्थिति पर मजिस्ट्रेट उचित समझता है। 140 सीआरपीसी ये कहती है कोई उस पोजीशन में नहीं है, नन ऑफ दी पार्टीज इन पोजीशन, जब तक कि प्रॉपर्टी का पोजीशन किसका है तब तक वो उसको अटैच करके एक रिसीवर अपॉइंट कर सकता है। ऑर्डर 40 सीपीसी में भी अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का प्रोविजन है, यदि सिविल कोर्ट द्वारा पहले से कोई रिसीवर अपॉइंट है तो उस प्रॉपर्टी को उसको मजिस्ट्रेट सौंप देगा, रिसीवर को दे देगा, सारी जिम्मेवारी उसको उस प्रॉपर्टी के संबंध में दे देगा। धारा 147 सीआरपीसी ये कहती है कि मजिस्ट्रेट जो है वो डिस्प्यूट यूज ऑफ लैंड के वाटर में, लैंड और वाटर के संबंध में यदि कोई डिस्प्यूट है, इजमेंट्री राइट है, सुखाधिकार, कई सालों से वो उसका जल या लैंड का उपयोग करती चली आ रही है पार्टी, तो इस बारे में जांच करेगा और कोई भी अगर प्रॉब्लम ऐसी है कि वहां शांति भंग हो सकती है, ब्रीच ऑफ पीस, तो पार्टीज को वो सुनेगा, बुलाएगा, राइट्स देखेगा उनके किसके हैं। मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि राइट एग्जिस्ट कर रहा है तो मजिस्ट्रेट प्रोहिबिटरी ऑर्डर भी उसमें पास कर सकता है और किसी दूसरे व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी या लैंड या पानी, जो भी समस्या है, ब्रीच ऑफ पीस जिससे हो सकती है, उसे दिला सकता है। थ्रू आउट ईयर अगर जमीन इस्तेमाल की गई है तो रिपोर्ट मिलने के 3 माह पहले से अगर वो यूज हो रही है, पूरा साल यूज की गई है, ये सब वो देखेगा और प्रोहिबिटरी ऑर्डर सारी परिस्थितियों का अवलोकन करने के बाद यदि उचित समझता है तो जारी करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि 145(1) जैसे डिस्प्यूट रिगार्डिंग इमोबल प्रॉपर्टी और वाटर के संबंध में, तो उसको वो सेटल भी कर सकता है और आदेश जारी कर सकता है। धारा 148 कहती है कि लोकल इंक्वायरी हो, किसी
डीएम या एसडीएम या लोकल मजिस्ट्रेट को ऑर्डर देकर उस राइट्स की जो कि लैंड और वाटर से संबंधित है उसकी जांच करा था। कोर्ट के खर्चे कौन डिटरमाइन करेगा, ये मजिस्ट्रेट अपनी सारी परिस्थिति को देखते हुए उस किस पार्टी पर कौन सा खर्चा दे होगा ऐसा ऑर्डर कर सकता है। इसके अलावा धारा 149 सीआरपीसी ये कहती है कि पुलिस टू प्रेजेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस जो है प्रिवेंट करेगी, रोकेगी किसी भी संज्ञेय अपराध को। ऐसा नहीं है कि वो एनसीआर या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को भी नहीं रोकेगी, दोनों ऑफेंसेस को रोकने का काम पुलिस का है। सेक्शन 150 कहता है कि इन्फॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस, यदि कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती है कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है संज्ञेय अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है तो उसे रोकने का कार्य है, नॉन कॉग्निजेबल है तो उसे भी रोक। और अरेस्ट टू प्रिवेंट सेक्शन 151 कमीशन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध स्थिति में 151 के अंतर्गत पुलिस द्वारा बुक किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे से ज्यादा पुलिस उसको हिरासत में नहीं रख सकती गिरफ्तार करने के बाद। धारा 152 कहती है प्रिवेंशन ऑफ इंजुरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाए ये भी पुलिस की एक जिम्मेवारी है। इसके अलावा धारा 153 कहती है इंस्पेक्शन ऑफ वेट एंड मेजर, कोई बांट मापतौल मेजरमेंट के जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं यदि कोई व्यक्ति जाली बनाता है बांट नाप वगैरह तो पुलिस उसको जब्त कर सकती है और उसके विरुद्ध भी वेट्स एंड मेजरमेंट एक्ट के तहत कार्यवाही कर सकती है। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में संक्षेप में आपको सरल भाषा में कुछ जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अभी तक आपसे अनुरोध है आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आपका इस चैनल पर मुझे काफ़ी स्नेह प्राप्त हो रहा है, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। आज इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।